नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के जारंगड़िया दक्षिणी पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में बेरमो प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी, बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरजा देवी तथा बेरमो विधायक प्रतिनिधि विल्सन फ्रांसिस उर्फ बबलू JMM के बेरमो प्रखंड अध्यक्ष रंजीत महतो सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा स्कूली बच्चों के द्वारा स्वागत गीत नृत्य के साथ प्रस्तुत किया गया। संचालन राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक तिलेश्वर राम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बेरमो प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी तथा बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरजा देवी का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट देकर किया। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बेरमो प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने कहा, जो लोग प्रखंड कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे लोग जो समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों को सरकार की सरकारी योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़े, इस उद्देश्य को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि योग्य वास्तविक जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। नहीं तो जाँच के बाद यदि पकड़े गए तो तब से राशन उठा रहे हैं, तब से जोड़कर जुर्माना लगाया जाएगा, ये अंतिम चेतावनी दी जा रही है। साथ ही बेरमो प्रमुख गिरजा देवी ने कहा, हर वास्तविक योग्य लाभुकों को लाभ मिले। देखिए सरकार, ये आज मेरे यहाँ जारंगी दक्षिणी में आज का शिविर आयोजित किया गया है और आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से ये आयोजित हो रहा है कि जो लोग प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, तो हम लोग, मेरी सरकार का ये उद्देश्य है कि भाई समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हम लाभ पहुँचाएँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है और भी सारे जो हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को कि भाई जो भी योग्य लाभुक हैं उनको लाभ दें। इस बीच मुझे ये देखने के लिए या शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जो सक्षम हैं और उसके बावजूद भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगी, निर्देशित करना चाहूँगी कि अगर ऐसे कार्डधारी जिनके पास 3 कमरे का पक्का मकान है, AC, फ्रिज ये सब है, 4 चक्के की गाड़ी है, आप कहीं टैक्स सरकार को दे रहे हैं या कहीं से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो शीघ्र ही आप राशन कार्ड को सरेंडर करें। मैं अगर जांच में अगर आप पाए जाते हैं तो फिर जब से आप राशन उठाए हैं तब से आपको सारी राशि जो है सूद सहित वापस देना होगा। तो ये संदेश मैं सभी लोगों को देना चाहूँगी ताकि हम अपने जो गरीब हमारे पास आ रहे हैं जिनका लंबित है राशन कार्ड बनने के लिए, तो उनको हम योग्य लाभों को दे सकते। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रमवार जानकारी दी और परिसंपत्ति का वितरण किया। साथ ही कंबल तथा स्कूली बच्चों को पोशाक का वितरण, लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण भी किया गया। पदाधिकारी ने परिसर में लगे विभिन्न विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में जिला ग्रामीण विकास, GSLPS, मनरेगा, खाद्य आपूर्ति, सेवा की गारंटी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि, गव्य एवं पशुपालन आदि विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए, जिन्हें क्रमवार अर्हता अनुरूप निष्पादित किए जाएंगे। मौके पर पंचायत की मुखिया सहित पंचायत प्रतिनिधि शामिल थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।